पुलिस अधीक्षक जौलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा ने उनकी हौसला अफजाई कर साइकिलिंग के उद्देश्य की सराहना करते हुए यात्रा सकुशल पूर्ण करने की कामना की। पूजा तानाजी बुधावले जो पुणे महाराष्ट्र की निवासी, उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग लगभग 8000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा 8/10/2022 को प्रारंभ की है। उनका कहना है कि लगभग 2 माह में तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचने में लगेगा। उनके द्वारा साइकिल यात्रा का स्लोगन योग मेरा कर्म है, एकता मेरा धर्म है बताते हुए साइकिल यात्रा का प्रमुख उद्देश्य योग, जागरूकता और एकता का संदेश देना बताया। अभी तक 1400 किलोमीटर यात्रा कर चुकी हैं। साइकिल सर्विसिंग के लिए कटनी से जौलपुर आई थी। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम जौलपुर में पुलिस अधीक्षक जौलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा से मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक जौलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा ने हौसला अफजाई कर साइकिलिंग के उद्देश्य की सराहना करते हुए यात्रा सकुशल पूर्ण करने की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व वर्ष 2017 में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर की यात्रा 35 दिन में पूरी की थी। अच्छा जी, नमस्ते, मेरा नाम पूजा तानाजी बुधावले है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और मैं योग प्रचार के लिए 8000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर रही हूँ। तो मैंने उत्तराखंड से शुरुआत की थी और मैं तमिलनाडु के रामेश्वरम तक ये राइड करूँगी। तो ये राइड है 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल यात्रा राइड, और ये राइड मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा मतलब किया है, और अभी तक इंडिया के किसी लड़की ने 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल पे नहीं किए हैं। तो जब मेरी राइड कंप्लीट होगी तो मैं फर्स्ट इंडियन बन सकती हूँ लेडीज। और इस राइड में योग प्रचार का मैसेज देते हुए मैं एकता का भी मैसेज दे रही हूँ कि मेरा स्लोगन है योग मेरा कर्म है और एकता मेरा धर्म है। कब से शुरू किया आपने यात्रा? यात्रा 8 अक्टूबर से गौरीकुंड से चालू हुई, जब हम केदारनाथ दर्शन करके आए थे, फिर गौरीकुंड से साइकिल यात्रा की शुरुआत हुई और अभी तक 15 दिनों में मैं कटनी तक पहुंच चुकी हूँ। अभी कितने ज्योतिर्लिंग बचे? 2 ज्योतिर्लिंग मेरे हुए हैं, अभी 10 ज्योतिर्लिंग बाकी है। कब तक हो जाएंगे लगभग? 1.5 महीने में हो जाएगा। क्या उद्देश्य था इसका? यही योग प्रचार मेरा उद्देश्य है। कितने लोग हैं? मैं साइकिलिंग अकेले कर रही हूँ और मेरे साथ बैकअप टीम मेंबर एक है। आपका शुभ नाम? पूजा बुधावले। कहाँ से निवासी हैं? पूजा पुणे से। जौलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।